स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? तो ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है? तो ईवीएस में अब तक हमने फ्रूट्स के नेम सीखे सीखे ना, तो कौन कौन से फ्रूट्स के नेम सीखे? तो एप्पल, फिर बनाना, मैंगो, ऑरेंज, चीकू, जामुन, ग्वावा, पपैया और ग्रेप्स, इतने सारे हमने फ्रूट्स के नेम सीखे सीखे ना। अब जो बाकी के हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? तो मैंने बोर्ड पर क्या किया है, पिक्चर लगाए हैं, लगाए ना? तो आज हम ये जो पिक्चर लगाए ना उसका स्पेलिंग सीखेंगे, ठीक है? तो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पहला पिक्चर, इसमें क्या है, कौन सा फ्रूट है, दिखाई दे रहा है? देखो तो ये कैसा येलो येलो है, फिर इसका ऊपर का जूस है वो ग्रीन ग्रीन है, वो कैसा होता है, ऊपर से कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, कांटे के जैसा होता है, लग जाता है, लग जाता है, नहीं लग जाता है, क्या बोलते उसे, बोलो, पाइनएप्पल। कौन सा फ्रूट है? पाइनएप्पल। इसको हम क्या कहते हैं, अनानास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनानास भी कहती है, और इसमें उसे क्या कहते हैं, पाइनएप्पल। आप खाते हो, नहीं खाते हो पाइनएप्पल? कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, टेस्टी, मजा आता है ना, फिर उसका जूस भी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? तो पाइनएप्पल जो इसकी स्किन है उसको उसके कांटे की तरह हमें चुभता है, ऐसे होते हैं छोटे छोटे, तो उसकी जो स्किन है वो निकाल देनी होती है, फिर अंदर का जो ये है ना वो पानी हमें खाना होता है। मम्मा या पापा बाजार से लाते नहीं लाते, फिर आप खाते हो, खाते हो ना, कैसा होता है, यम्मी यम्मी होता है, आपको पसंद है ना, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, होता ही नहीं होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, थोड़ा सा ऑरेंज जैसा होता है, और उसके जूसे वो ग्रीन कलर के होते, कांटे के जैसे ऐसे छूट जाते, ऐसे होते हैं, ठीक है? पाइनएप्पल का स्पेलिंग क्या होगा, पी आई एन ई ए डबल ई एल ई। अब खाली पाइन का ही आना चाहिए, एप्पल का तो आपको आता है, ए डबल के लिए, तो क्या हुआ, पाइन एप्पल, पी आई एन पाइन, ए डबल के लिए एप्पल, पाइन एप्पल, ठीक है? आपको उसको कैसे बोलना है, पी आई एन पाइन और ए डबल पी एल ई एप्पल, पी आई एन पाइन, ए डबल पी एल ई एप्पल, पाइन एप्पल। फिर से बोलो तो पी आई एन ई ए डबल पी एल ई पाइनएप्पल, ठीक है? क्या होता है, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई पाइनएप्पल, समझ में आया आपको? पहले एक कितना पार्ट बोला है, पी आई एन ई, फिर ए डबल पी एल ई एप्पल, तो पाइनएप्पल, ठीक है? चलो फिर से लिखते हैं, देखो पहला लेटर मैंने कौन सा लिखा है, कैपिटल लिखा है, बाकी के सब स्मॉल लेटर, चलो फिर से लिखते हैं, ठीक है? तो देखो एप्पल का कितना पूरा स्पेलिंग एक साथ में लिखना है, ऐसा नहीं कि पी आई एन ई हां पी ए डबल पी एल ई अलग लिखा, ऐसा नहीं करना है, पूरा स्पेलिंग आपको एक साथ में लिखना है, ठीक है? तो क्या होगा, पाइनएप्पल का स्पेलिंग पी आई एन ई ए डबल पी एल ई पाइनएप्पल, चलो बोलो तो पी आई एन ई ए डबल पी एल ई पाइनएप्पल, ठीक है? समझ में आ गया आपको पाइनएप्पल के बारे में? चलो अब ये दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा और ये रेड रेड है, क्या नहीं, ये क्या है,
वाटरमेलन, क्या है? वाटरमेलन। इसे हम क्या कहते हैं दूसरा भी नहीं, तरबूज। तरबूज कहते हैं। आप लोग खाते नहीं खाते हो? कैसा होता है? होता है ना बहुत यम्मी यम्मी। तो अंदर का कैसे होता है? रेड कलर का होता है। और जो ये है ये ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे वो उसके सीड्स है। क्या है? सीड्स है। तो जब हम खाते तो उसको निकाल देते, जिसको पसंद है वो खा भी सकता है। ऐसा नहीं कि बस उसे फेंक भी देना होता है, उसे खा भी सकते हैं। ठीक है? तो उसका कलर कैसा होता है देखा? डार्क ग्रीन है और पैरट कलर जैसा होता है, होता है ना? मम्मा या पापा लाते कि नहीं लाते हैं, फिर आप खाते होंगे, आपको पसंद है ना? तो फिर और उसका क्या जूस भी बनता है, पता नहीं बनता है? तो वाटरमेलन क्या है? वाटरमेलन हम उसे तरबूज भी कहते हैं। ठीक है? तो वाटरमेलन का स्पेलिंग क्या होगा? डब्ल्यू ए वाटर। तो आपको पता है आप जब भी पानी पीते हो उसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। वाटर का तो होता है डब्ल्यू या वाटर। फिर बस आपको मेलन नहीं करना है, एम एल ओन मेलन कैसे बोलना है? डब्ल्यू ए टी आर एम ई एल ओ एन ऐसे बोल देना। ठीक है? देखो डब्ल्यू ए टी आर वाटर एम ई एल ओ एन मेलन वाटर मेलन। ठीक है? डब्ल्यू ए टी आर एम ई एल ओ एन वाटर मेलन। फिर से बोलो डब्ल्यू ए टी आर एम ई एल ओ एन वाटर मेलन। समझ आया? तो पहले कौन सा स्पेलिंग है? डब्ल्यू ए टी आर वाटर एम ई एल ओ एन मेलन वाटर मेलन। ठीक है? चलो फिर से आएगा डब्ल्यू ए टी ई आर फिर एम ई एन ओ एन वाटर मेलन। समझ आ गया आपको? पहले कौन सा हमने सीखा? पी आई एन ई ए डबल ई डबल पी एन ई पाइन क्या? पी आई एन ई ए डबल पी एन ई पाइन फॉल। ठीक है? फिर डब्ल्यू ए टी आर एम ई एल ओ एन वाटर मैन। डब्ल्यू ए टी आर एम ई एल ओ एन वाटर मैन। हम कैसे बोलते हैं? वाटर मैन ऐसे बोलते हैं ना? तो आपको बस ऐसे ही बोलना है डब्ल्यू टी आर एम ई एल ओ एन वाटर मैन। समझ में आ गया? तो फिर ये कौन सा फूल है? आपको दिखाई दे रहा है? आपको समझ में आ रहा है कौन सा है? आप लोग खाते हो पर आपको पता नहीं। आप लोग खाते हो? आप अंजीर खाते हो? ड्राई फ्रूट में आप काजू बादाम फिर अखरोट पिस्ता फिर अंजीर। वैसा रिंग जैसा होता है नहीं होता है? उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बीज जैसा होता है, होता है नहीं होता है? वो ऐसा बीज जैसा आता है, ऐसा आता है नहीं आता है? बीज जैसा ऐसा ऐसा ठीक। उसमें ऐसे 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 ऐसा होता है, होता है नहीं होता है? खाते नहीं खाते? फिर इसमें ऐसा ऐसा पार होता है, ऐसा सर्कल जैसा होता है और पूरे में ऐसा ऐसा होता है। क्या कहते हैं? अंजीर। क्या कहते हैं? अंजीर कहते हैं उसे। तो ये क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिग एफ आई जी फिग। जब ये होता है ये क्या है? उसके जूस से। और उसका कलर कौन कौन कैसा होता है पता है? डार्क पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क पर्पल कलर का होता है। जब कच्चा होता है तो ऐसे ग्रीन कलर का होता है।
पर जब पक जाता है ना तब ऐसे पर्पल कलर का होता है। जब उसे काट के आप खाओगे तो ऐसा होता है। हम जो अंजीर लाते हैं, जो फीक लाते हैं, वो सूख जाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। पर जब ये के रूप में होता है तब वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ऐसे होता है। उसका जो है ऊपर का स्किन वो डार्क पर्पल कलर का होता है और अंदर से ऐसे रेड जैसा निकलता है। उसमें ये दिखाई देता है आपको, ये बहुत सारे सीड्स जब भी आप खाते हो, फिर जी खाते हो तो उसमें से छोटे छोटे बी होते होते ना, कच कच ऐसे आवाज भी आती है। तो क्या है फीक, क्या है फीक, हम उसे ड्राई फ्रूट के रूप में खाते हैं। खाते हैं ना, खाते हो नहीं खाते हो आप लोग? उसका पीते मिल्क भी पीते होगे, मिल्क में डाल के पीते हो, नहीं पीते हो? फिर उसका तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी आती है ना, ठीक है? तो इसका सही क्या होगा, FIG फीक। बहुत सिंपल है, क्या होगा FIG। इसमें तो हमें एंटी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना छोटा है। FIG फिक क्या होता है, FIG फिक, ठीक है? तो FIG की, ठीक है? चलो एक बार फिर से उसका रिवर्स कर लें। क्या है पाइनएप्पल, उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, उसमें छोटे छोटे कांटे जैसा होता है, ऊपर का ग्रीन कलर का होता है, वो लग जाता है, वो जो उसका अंदर की स्किन निकाल के उसको हम खा सकते हैं, खाते हैं ना, ठीक है? पाइनएप्पल का सही क्या होगा, PINEAPPLE पाइनएप्पल, ठीक है? ये क्या है, बड़ा बड़ा फूल। वाटरमेलन, उसमें क्या होता है पता है, वाटर क्यों कहते हैं, उसमें बहुत सारा पानी होता है। अब खाओगे तो आपको ऐसा लगे आप पानी पी रहे हो, ऐसा लगता है। तो ये तो देखो इसमें है वाटर, दिखा है ना? तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, WAPPLEMELON वाटर मेलन। गर्मियों के सीजन में बहुत आता है, बहुत खाते हैं, खाते हैं ना, उसका जूस भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? चलो ये और FIG फी समझ में आया? तो अब तक हमने कौन कौन से स्पेलिंग सीखे फ्रूट्स के, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, चीकू, जामुन, ऑरेंज, पपैया, फिर ग्रेप्स, फिर पाइनएप्पल, वाटरमेलन और की, इतने हमने सीखे, ठीक है? बाकी के हैं वो अब वो हमें नहीं करना है, बस आपको इतने ही करने, आप अपने रेफरेंस के लिए आप उसे कर सकते हो, बाकी कोर्स में बस आपको इतना ही, ठीक है? तो मम्मा आपको एक लिंक लगा देगी और फिर स्पेलिंग लिख देगी, तो आपको उसे फुल फुल लाइन लिखना है, पर बोल कर लिखना है, ठीक है? और पहला लेटर कैपिटल करना है, बाकी के सब स्मॉल करना है। समझ में आ गया आपको, पाइनएप्पल, वाटरमेलन और फिग का, ठीक है? चलो बाय बाय।